अमृतसर दे सुल्तानविंड पिंड विच 32 साल व्यौता महिला का उसके सहुरे परिवार वालों उसके मायके घर में जाके खंजर मार के कतल कर दिता। देश दे विच जिथे सारी सरकार नारी सशक्तिकरण की वड्डी वड्डी गल्लां करती है उथे ये दावे जमीनी स्तर से खोखले नजर आते जिथे अमृतसर के सुल्तानविंड पिंड विच एक अजिहा मामला सामने आया जिस तों बाद सानू खुद नू समाज के नागरिक कहलाण दे विच शर्म आती है। दरअसल मामला अमृतसर के सुल्तानविंड पिंड का है जिथे एक 32 साल व्यौता अपने पति तो झगड़ा करके मायके आ जाती है। उसनू उसके पति और सहुरे परिवार वालों उसके मायके घर में जाके खंजर मार कर मौत के घाट उतार दिता जाता है। जिस तों बाद मृतक सलमा दे परिवार वालों वालों अमृतसर के थाना बी डिवीजन के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाता है क्योंकि उन्होंने कहना है कि झगड़े की वजह तो ही इस तरह तो वो रोज़ परेशान रहती थी, सरेआम घर से आके खंजर मारकर उसका कतल कर दिया गया जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। मृतका दे 3 बच्चे सी, उसके जान तो बाद परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है और बच्चे भी रो रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन तो इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सूचना मिली थी कि घर से जाके 3 लोगों वालों इस महिला का कतल कर दिया गया, जिस तों बाद 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच की जा रही है। फिलहाल लाश नूं पोस्टमार्टम दे लई ले जाया गया है। मेरा नाम भोली है जी। हां जी, की गल होई जी? जी मैंने मेरे कुड़ी नूं 12-13 साल बैठी नूं 13 साल बैठी नूं हो गया ते 12 सालां दी कुड़ी आ ते उन्हां ने फड़ के ना इत्थे आए आ कुड़ी नूं अतल फतल होई लहू लवाण। दरानी ने आके घर आके कतल किया गुरु रामदास मुंडिया कली रोटियां पकाउण दी आ सब्जी बनाउण दी ते ऐदा उहने उहदे भरा ने नप्पी धोण आहो ते मैं कहन दी आ परौणे शर्म खा ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਸੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੰਜਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਬਲੈਕ ਆ ਦੋਨੇ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਦੋਨੇ ਜੀ ਲੜਦੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 32 ਆ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਆ ਜੋ ਜੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ एक कुड़ी ओदी आ 12 सालां दी पालदी ओ रह गई कुड़ी खो के लै गए नू महीना नहीं होया ते रोंदी मम्मी मेरी कुड़ी लै गए मैं कह रहन दे आशकर ओदा प्यो है लै गया लै जान दे हुण की मांग कर रहे तू हां ते पर मेरी कुड़ी नू मैं नहीं मारया क्यों आ अंदर ही मार जेले जाने चाहिदे तिन्ने ए मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे मैनू कुछ नहीं चाहिदा चाहिदा की नाम दी परजाई मीना मीना हुण तू पुलिस को आए हो की मांग कर दे मेरी पुलिस ने मांग मैं पाई आ कहंदा की चाहनी मैं सरदार पाछा मैं अगे भी ताडी पुलिस का काम करती हाँ वह जिन्ना गाड़ी हुण केस आया ना वह मालक इत्थे नहीं सी हैगे जिहदे को केस गया ही ना वह बंदा जिहड़ा बलदेव आ हाँ उन्हें पर बोलिया बड़ा पुट्ठा ही मेरी कुड़ी नूं ते मैनूं कहंदा कट बोल आंदा कट बोल आंदा वी चपेड़ा मारनी आ मूंह दे वट वट के तू इह झूठ मारन दी आ दरगाह दे के हाँ ते मैं कहा बलदेव ऐदा ना कर जे तू कुछ भी आ चुक फिर मेरे को भी मेरे तो सरेआम मार दिती मैनू आंदा जा कम कर जाके मैं ताडे को पुलिस पैसे लेने मालक क्यों नहीं लै के असी कम करते इन्हों का ये आंदे सीधे साड़ी मंग है साड़ी धी की फरियाद सुनी जाए मर्दी भी कहती गई मम्मी न्या कर दी मेरा न्या होना चाहिए ही ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਸਨ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ 302 ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡ ਸੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਪਿੰਡ 97 ਪੱਤੀ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ